फरीदाबाद के किसान परेशान हैं क्योंकि फरीदाबाद से गुजरने वाली आगरा और गुरुग्राम नहर में पानी का स्तर बढ़ने से गंदा पानी नहर के साथ बसे हुए गांव मिर्जापुर के खेतों में घुस गया है, जिससे दर्जनों किसानों के खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और पानी अब धीरे धीरे गांव में घुस रहा है। गंदे पानी के खेतों में आ जाने से जहरीले जीव जंतु गाँव में आ चुके हैं और मच्छरों में अधिक बढ़ोतरी हो गई है, जिससे अब गांव के बच्चे भी बीमार होने लगे हैं। गांव वालों का कहना है कि इसकी शिकायत संबंधित विभाग को करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। क्या समस्या आपको? कैसा गंदा पानी है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, गंदगी हो रही है, बन करके सांप गुहेरा सब कुछ आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से अपनी वो कर देगा, नु बताओ। बच्चे रोज बीमार बैठे रहे, पता कहाँ से जावे। डेंगू हो रहे, मलेरिया हो रहे, बताओ कहाँ से है। पानी सारो आगो रे गंदो पानी, इसकी कुछ रोकथाम करो। गंदा पानी आ रहा है यहाँ से, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सांप वांप कीड़े सब निकल निकल के आ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं सब बच्चे। रोजिना की कुछ ना कुछ बीमारी होती रहे। ये कब से समस्या हो रही है आपको? कई साल से हो रही है। कई साल से, कई साल से। तो आपने इसकी कंप्लेंट करी? नहीं करी। इस समस्या पर ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गाँव जहरीले जीव जंतुओं से डरा हुआ है, मच्छरों से डेंगू फैल रहा है, नहर का गंदा पानी खेतों के बाद गांव में घुसना शुरू हो गया है, खेतों में कई एकड़ जमीन में खड़ी फसल खराब हो गई है, किसान मजदूरों को मजदूरी देने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनकी फसल ही खराब हो गई तो मजदूरी कहाँ से दे। गोरखी है जी। गोरखी जी, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या यू है जी, मैं मेरे को 12,000 रुपये तनख्वाह पे लगा हुआ हूँ जी। मैं अब ये बोल रहा, मेरी फसल मर गई तो मैं तनख्वाह कहाँ से दूँ? अपाहिज आदमी। अच्छा, अपाहिज आदमी हूँ जी। दूसरी बात है, ये इसकी भी बात सही है। फिर मेरा एक घर ये है जी, ये सामी ये यहाँ गए है, या मैं रात को भी सांप आके बढ़ गया मेरे घर में, घुस गया था सांप, बच्चे लैट्रिन के धोरे वहाँ गए, एक भिट्टा उसमें जा बड़ा था, उसमें रोज की 15 दिन तक बच्चे देख रहे हैं, रोज की फलें निकाल के शाम के टाइम खड़ा हो जाता है। वैसे बच्चे कहते हैं, मैंने कि हाथ जोड़ लो, देवता है, कोई बात नहीं है बेटा, यो गंदगी है, यो पानी की वजह से आ रहे हैं भाई। समस्या सबसे बड़ी ये है जी कि सारी फसल तो नष्ट हो चुकी है, आपने देख ही लिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी बंद चाहिए, ताकि हम ये फसल तो नष्ट हो चुकी है, कम से कम अगली फसल का हम इंतज़ार कर दें कि भाई हाँ ये आ सकती है हमारे पास। समस्या ये, मैं गरीब आदमी हूँ, हैंडीकैप आदमी हूँ, और मेरी 3 किला की फसल नष्ट होगी। हाँ। खर्चा लगा के घर बैठ गया हूँ, गाँव में पानी घुस चुका, गाँव में भी कीड़े मकोड़े का बहुत ज़्यादा जोर हो चुका है, बीमारी चल रही है, हमारे इसका समाधान किया जाए। सनी तुशील के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।